फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज दूसरे दिन श्री फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद मीनाक्षी लेखी व पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी ने ध्वजारोहण कर दिल्ली की जनता को खेल के जरिए फिट रहने की नसीहत दी। साथ ही कई खिलाड़ियों ने स्टेज परफॉर्मेंस कर लोगों का दिल भी जीत लिया। दिल्ली के श्री फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जो स्पोर्ट कन्वेल चलाया जा रहा है, इसको दूसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद मीनाक्षी लेखी व पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने ध्वजारोहण कर सभी नए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और युवाओं सहित सभी लोगों को खेल के प्रति रुचि रखने के लिए भी कहा, ताकि शरीर को फिट भी रखा जाए और हो सके तो एक कुछ युवा खिलाड़ी ने स्टेज पर योग के संबंधित कुछ कार्यक्रम भी किए, जिसको मंत्री और सांसद सहित सभी ने सराहा और खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हौसला भी दिया। भारत सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कार्यक्रम में जमकर तारीफ करी और कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम पूरी दिल्ली में होने चाहिए, क्योंकि यदि दिल्ली फिट रहेगी तो देश भी फिट रहेगा। साथ ही रिजिजू ने भारत देश के पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील की। किरेन रिजिजू जी, मदन लाल जी, members of Mr. Singla, Deepak and Mr. Lahoti, all the members of our team, the Siri Fort team, I just want to say something, and I say this is the new India, this is a changed India, this is India where we socialize over sports and not on other things, Delhi is known for. I am associated with this field and this area from early. आज ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम और श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे यहाँ के मेंबरों ने और यहाँ के स्थानीय सांसद मीनाक्षी जी सब ने मिल करके स्पोर्ट्स कार्निवल जो कार्यक्रम चला है, बहुत अच्छा है। ये फिट इंडिया मूवमेंट के लिए सबसे अच्छी कार्यक्रम और सबसे बढ़िया, मैं कह सकता हूँ कि फिट इंडिया को डेडिकेट करने का कार्यक्रम मुझे दिखाई दिया। यहाँ बच्चे को भी मैंने देखा, बुजुर्ग को भी देखा और सर्विंग जो ऑफिसर्स है वो सबको देखा और सब भी इसमें हिस्सा ले रहा है, खेल में भी और फिटनेस कार्यक्रम में भी। मेरे ख्याल से ये जो श्री फोर्ट जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ इस तरह का फिटनेस का कार्यक्रम और खेल का प्रतियोगिता करना, ये बहुत अच्छा संदेश देगा। दिल्ली में ही इस तरह का और जगह जगह कार्यक्रम करना चाहिए। मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से और यहाँ के स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं सबको भी अपील करूँगा कि दिल्ली में इस तरह का पूरा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली फिट होगा तो देश फिट होगा। दिल्ली राजधानी है, यहाँ के दिल्ली के जो हमारा नागरिक है वो अनफिट नहीं रहना चाहिए। इसके लिए इस तरह का कार्यक्रम, फिटनेस कार्यक्रम, स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ रचना किया है। इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, भारत के पास पारंपरिक खेल बहुत है, खो खो है, मलकम है, कबड्डी है, कलरीपट्टू है, थंगता है, बहुत सारा हमारे पास पारंपरिक जो इंडिजिनस गेम्स है वो ओलंपिक में नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो खेल है तो हम इसको मरने नहीं देंगे। इसलिए खेलो इंडिया के तहत इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया का हम आयोजित करेंगे और इससे बहुत बड़ा एक देश में माहौल भी बनेगा। देखिए, ये कार्निवल तो है जिसमें हम लोगों के यहाँ पर विमेन फुटबॉल भी खेला जा रहा है, योगा भी, और कल की जो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस में जितने परफॉर्मर्स थे वो सबके सब महिलाएं थी, यहीं खेलने वाली और यहीं पर रहने वाली, योगा सीखने वाली, जुम्बा करने वाली, बाकी अन्य वॉक करने वाले लोग। तो ऐसा नहीं है कि घर का काम देखने से आप अनफिट होते हैं, घर के काम में भी आपके फिटनेस बना रहता है, बहुत फिट होना होता है घर का काम संभालने के लिए। लेकिन जो ये स्पोर्ट्स के रूप में इसको मनाने की जो बात थी वो यही थी कि हम लोग हर किस्म की सोशलाइजेशन करते हैं, जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, गप लगाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो जो सोशलाइजेशन है वो स्पोर्ट्स के ऊपर हो कि सब लोग वॉक करते हुए बात करें, उसके बाद कॉफ़ी पिए, टेनिस खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, तो सबका इकट्ठा जो है वीकेंड जो है या बाकी दिन जो है। अभी आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि ये 5 दिन का कार्निवल है जिसमें से 3 दिन वर्किंग डेज हैं और हर व्यक्ति सुबह 6 बजे आके खेलना शुरू करता है और 10 बजे तक।